दोस्तों आज हम आए हैं माहिम दरगाह में, जानने ये कि मोदी जी को लेके लोगों का मूड क्या है। जिस तरह से आप जानते ही हैं कि जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है चुनावी प्रक्रिया को लेके, और माहिम दरगाह में ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो जातिवाद के बारे में हम बात करेंगे पूरी मुस्लिम कौम से, मुस्लिम कम्युनिटी से, कि वो क्या कहते हैं अपनी हमारी सरकार को लेके। चलिए मिलते हैं लोगों से और जानते हैं क्या है उनकी राय। आप बताइए, आपने वोट डाला है? डाला है। आप सरकार से संतुष्ट है, जो 4 साल की सरकार है हमारी? हम मतलब जिसको भी डाला है, कोई भी सरकार आवे या बीजेपी आए या कांग्रेस आवे या राष्ट्रवादी आवे, हम सब में कौन सा हमारे लिए अच्छा छोड़ गए हैं? मुस्लिम के नाम पे तो ठप्पा लगा के रखे हैं, कहीं भी जाओ मुस्लिम का कोई कदर नहीं है, तो हम क्या जवाब देंगे? तुम हमारे से क्या पूछ रहे हो? मोदी जी से पूछो कि मुस्लिम के लिए क्या किए। जहाँ जाओ भाड़े पे घर नहीं मिल रहा है, जहाँ जाओ वहाँ मुस्लिम को हटा देना है, और क्या पूछोगे? हम लोग सिर्फ मोहर बन के रह गए मुसलमान। तो मोदी जी को क्या बोलना बात? मोदी जी को ये बोलना चाहिए, जैसे आप अपनी जनता के लिए मर रहे हो ना, वैसे हमारे लिए भी करो कुछ। मुसलमान के लिए मत एक दूध में मक्खी पड़ गई हो निकाल के फेंक देना, वो मत करे। मोदी को बोलो और क्या आप क्या बोल रहे हैं? जातिवाद होती है नहीं है, तो आप लोग संतुष्ट हैं मोदी सरकार से? जो भी मोदी सरकार ने क्या फायदा हुआ इसके लिए देश में खाली लॉस ही लॉस चल रहा है, कहाँ से बेनिफिट दिख रहा है आपको? क्या लॉस हुआ है देश? क्या अच्छा हुआ ये बताओ ना। काला धन आया, GST आया, उसको कांग्रेस ने करने वाली थी, कितना कर रही थी कांग्रेस, वो भी बंद हो गया, 6,000 रुपया मिल रहा था हम लोग, सब फालतू का चीज आ गया उसमें। अभी क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार? कांग्रेस आई। कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? कांग्रेस सरकार क्यों अच्छी लगती है? अब अच्छी लगती है, बस हो गया। हम भी खाएंगे, बीजेपी खाली खुद खाती है। हाँ, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी इस बार? कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार ने क्या किया ऐसा? कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, तो किसी ने कुछ नहीं, मोदी ने क्या किया आप बताइए? तो आप मोदी जी से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। 4 साल में कुछ नहीं किया मोदी? क्या किया आप बताइए ना, हमसे ज्यादा आप जानते नहीं, मैं आपसे जानने आई हूं। ज्यादा आप जानते ना, नोटबंदी में कितना, आप पढ़े लिखे हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे। नोटबंदी में जो नोटबंदी से लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई है ना? क्या हुई? हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हां ये बात तो है। बाकी आप क्या कहते हैं, कौन सी सरकार आएगी इस बार? मैम कोई भी सरकार आए कुछ फायदे की नहीं है, ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ है। आप कौन सा ग्राउंड की बात करें, क्या काम होना चाहिए ग्राउंड पे? जो एक लोकल पब्लिक चाहती है, कुछ भी काम नहीं है, सब परेशान है, धंधे वाले जितने भी हैं। तो आप व्यापारी हैं? हाँ व्यापारी है। क्या व्यापार करते हैं आप? हमारा सिलाई मशीन का है। तो क्या आपके व्यापार पे क्या असर पड़ा? फर्क पड़ा है, 50% डाउन है, और हमारी लाइन के या दूसरे लाइन के सब रो रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जातिवाद को लेके? 4 साल में मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया जिससे आप संतुष्ट है या नहीं है? एक भी काम नहीं किया मोदी जी, जबकि कि और हिंदुस्तान को सो है ना बरगला के रख दिया, कंफ्यूजन कर दिया। तो मोदी जी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया? कुछ अच्छा काम नहीं किया। और क्या कर रहे थे 5 साल से मोदी जी? बस अपना विदेश घूम रहे थे, यात्रा कर रहे थे, बस विदेश घूमा, कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। और ये जो मेट्रो का काम चल रहा है या फिर मुंबई में और कुछ भी काम, सब पहले से पास किया हुआ है। अच्छा, तो क्या कहते हैं कौन सी सरकार आनी चाहिए? हम तो सोचते हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस जिंदाबाद। आप बोलिए कौन सी सरकार आनी चाहिए इस साल? कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। मोदी जी अच्छे नहीं लगते? सब अच्छे है, उसका भी चांस देना चाहिए ना। अच्छा, कांग्रेस को चांस दे? कांग्रेस तो कितने सालों से राज कर रही थी, तो यंग है अभी, ये तो अभी आया ना, राहुल गांधी तो अभी आया, उसकी दादी कर रही थी। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? जी हाँ जी हाँ जी। फेल हो गए तो? फेल हो गया तो मोदी है ना सर। बताइए कौन सी सरकार आनी चाहिए सर? जो आप देश का भला करे, अभी तो मोदी सरकार आई थी, सभी को परेशान कर। मोदी जी को जानते हो? नहीं जानते? कौन है मोदी जी? हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो अच्छे लगते हैं मोदी जी आपको? अच्छे लगते हैं। देखे मोदी जी आपने? देखे कैसे? फोटो में देखे ना? नहीं देखे। आप क्या कहना चाहते हैं कि 4 साल में सरकार ने? 4 साल में सरकार ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन सब जैसे नोटबंदी वगैरह से सब परेशान हो चुके हैं। बोलेंगे आप कौन सी सरकार आनी चाहिए इस साल? कांग्रेस। कौन सी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस। मोदी जी अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं। बीजेपी बुरी है? क्यों, कुछ नहीं किया बीजेपी ने? कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार कौन सी आनी चाहिए सर? अच्छा, हाँ तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए।
वोट डाला आपने सर? हाँ डाला। किसको डाला? कांग्रेस को। आनी चाहिए सर? हाँ बोलिए। सरकार कौन सी आनी चाहिए? सरकार भाजपा आएगी। अच्छा बीजेपी अच्छी है? हाँ हाँ। आप पूछना चाहती है क्या हो? मैं पूछना ये चाहती हूँ कि चार साल से संतुष्ट हैं आप मोदी जी से, बीजेपी सरकार से? नॉट एट ऑल। व्हाई? आप खुद देख रही हो जो आज बाजार एकदम डाउन हुआ है, जॉब्स नहीं है, ग्रेजुएट रास्ते में भीख मांग रहे हैं, और जो वादे थे फॉरगेट द वादे तो खुद क्या पूरे नहीं किया उसने, तो जनता क्या क्या करेगा? तो मोदी जी तो बोलते हैं कि वो चौकीदार है, देश की रक्षा कर रहे हैं। तभी तो चालीस लोग मर गए, उनका मर्डर हुआ, शहीद नहीं हुए वो। आप कैसे कह सकते हो उनका मर्डर हुआ? आपका नाम आप ही बताइए ना, कैसे कह सकते हो? हाँ जो RDX आया वो गाड़ी गुजरात की थी, हाउ इट कम इनसाइड द बॉर्डर? जब उन लोग ने मांगा था उनसे फ्लाइट का, मांगा था एयर स्पेस, क्यों दिया नहीं? और खुद हेलीकॉप्टर में घूम रहे, दे कांट अफोर्ड टू पुट द हेलीकॉप्टर फॉर द सेनास। तो आप मोदी जी से नाराज है उनके काम से? मोदी आज से नाराज नहीं, 20 साल से नाराज हूँ। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो वो काम करेंगी? 70 साल तो काम किए ना उसने, जो स्कूल बनी है जब मोदी जी पैदा हुए वही बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई थी, जब मोदी जी पढ़े बोलते ग्रेजुएट किया जो है ही नहीं वही बिल्डिंग, वो भी कॉलेज कांग्रेस ने बनाई थी, तो मोदी जी किसके राज में पढ़े? लेकिन कांग्रेस को तो 70 साल मिले ना, मोदी जी को तो सिर्फ 5 साल मिले हैं। तो 5 साल में क्या किया? उल्टा कर दिया पूरा, सही क्या किया? अच्छा कुछ अच्छा नहीं किया? जेट एयरवेज बंद हो गया, अभी एयर इंडिया बंद हो रहा है, BSNL जा रहा है, ये क्या अच्छा हो रहा है? क्या बोल रहे थे आप, किसान आत्महत्या कर रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आजकल जो कुछ भी हो रहा है देखो। अभी आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने बदला लिया, केवल भाजपा जानती है कि बदला लिया, बाकी कोई नहीं जानता भाजपा की। आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ इस समय यहाँ पे, इस समय मैं गांव से आया हूँ जॉब करने के लिए, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो वही बेरोजगारी पहले जो देश को चला सके, एक साथ कर सके, बस वैसा हमको प्रधानमंत्री। कौन सी सरकार आपको आनी चाहिए सर? क्या करती हैं आप, काम क्या करती हैं? क्या काम करती हैं? हम लोग घर काम करते हैं। घर में काम करती हैं, मजदूरी करती हैं? अच्छा तो आप सरकार से क्या चाहती हैं, आपको क्या दे सरकार? हम लोग को ये चाहते हैं जो महंगाई है ना, महंगाई कम करे। तो आपको चीज़ें महंगी लगती हैं? घर है आपका? हाँ घर है, भाड़े पे। भाड़े पे रहते हैं, कहाँ के रहने वाले? हम लोग इधरी के, बम्बई के ही। तो अभी भाड़े पर रहते हैं? हाँ, क्यों? भाड़े पे हैं। वो कोई है ही नहीं आगे पीछे। घर नहीं दिया आपको सरकार ने? नहीं दिए, नहीं दिया सरकार। क्या बोलना चाहते सरकार से बोलिए? हम महंगाई है ना जो सस्ती करे, बस महंगाई सस्ती करे। हाँ। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? GST लग गया, जब से काम धंधा ठंडा हो गया है। तो आपके आपके बिजनेस में भी GST लगते हैं? हाँ। ना काम करते ना, अपन तो टेलर का काम करते हैं, सिलाई का। उस पे GST थोड़ी लगता है? नहीं 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 लगता, लेकिन अभी आवाम को तो लग रहा है ना, मुश्किल हो रही है ना, मुश्किल का सामना करना पड़ रहा। तो कौन सी सरकार आनी चाहिए सर? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? मोदी ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं किया भाई, परेशान करके रखला।